हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं केतकी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी की रेसिपी। इस रेसिपी में हम पनीर भी घर पर ही बनाएंगे, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको अच्छे से समझ आएंगे सारे स्टेप्स। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ये रेसिपी। बट उससे पहले आप सभी व्यूअर्स से दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपके जो भी रिव्यूज हैं या फिर मुझे कुछ चीज को ठीक करना है, जो भी कुछ आप रिव्यूज देना चाहते हैं मुझे, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कीजिए। उससे जो होता है मेरा मोटिवेशन बढ़ता है एंड मैं और अच्छे से अपनी वीडियो को, जो भी कुछ कमियां हैं उसको दूर करूंगी। सो प्लीज कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग पनीर बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर में गाय का 1 किलो के आसपास दूध लिया है। इसको हम बॉयल करेंगे एंड बीच में हम इसको स्टर करते रहेंगे ताकि जो दूध है वो नीचे ना लगे स्पून की हेल्प से। सो ये देखिए फ्रेंड्स, जो दूध है वो लगभग गर्म हो गया है। अब हम एक काम करेंगे, अब मैं आधे कप पानी में 2 चम्मच वाइट वाला सिरका ऐड करेंगे हम लोग। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर वाइट वाला सिरका ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इस मिक्सचर को हम डालेंगे अपने दूध में पनीर निकालने के लिए। तो 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर ये सिरके वाला पानी डाला है एंड इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड आपको ये जो पानी है वो एक साथ यूज़ नहीं करना है, तो धीरे धीरे कर आप इस पानी को दूध में डालिए एंड हमारा जो पनीर है वो दूध से अलग हो जाएगा। एंड इस टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम टू हाई के बीच में रहनी चाहिए, बिल्कुल लो भी नहीं रहनी चाहिए और बहुत फास्ट भी नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं जो हमारा पनीर है वो अलग हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग पनीर निकाल लेंगे अच्छे से। इसको 2 मिनट हम और पकाएंगे। ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया है पनीर अच्छे से। तो अब हम इस पनीर को एक छलनी में छान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, आप उसके ऊपर मैंने सेव रखी है छलनी के अंदर डाल के। ये जो भी हमारा पनीर है उसको हमने छान लिया है एंड अब मैं इसके ऊपर 1 ग्लास ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसमें जो भी सिरके का फ्लेवर है वो अलग हो जाए एंड ये ओवर कुक भी ना हो। और इसको हम लोग साइड में रख देंगे। एंड यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूंगी सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। अब मैंने यहाँ पर ऐड करा है थोड़ा सा बटर। तो ऑयल को गर्म होने के बाद आप लोग बटर को ऐड कीजिएगा। एंड अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी फ्रेंड्स अदरक और मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक एंड मिर्च। एंड देन मैं इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे। देन इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज चॉप किया हुआ अनियन। तो इसको हम लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे जब तक हमारा अनियन जो है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब मैं इसमें हल्दी और मिर्च ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड करी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, हल्दी मिर्च और टमाटर डालने से पहले डालिएगा क्योंकि इससे कलर जो होता है आपकी सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर टमाटर डाले हैं एंड अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक डालने के बाद इसको मिक्स करके हम लोग पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक कर अच्छे से। अब इसको हम ढक देंगे एंड 1 से 2 मिनट बाद देखिए जो हमारे टमाटर है वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। आप इसमें पानी पहले मत डालिएगा, अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि जो हमारे टमाटर है वो अपने ही जूस में थोड़े अच्छे से सॉफ्ट और मशी हो गए हैं। एंड अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 से 2 टीस्पून धनिया पाउडर के लिए हैं। इसमें हम धनिया पाउडर डालकर इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। एंड अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक गया है, तेल भी उसने छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पनीर। पनीर को हम अच्छे से क्रश कर लेंगे एंड इसको अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे पूरे पनीर को। एंड जो भी मसाला है उसको पनीर के साथ अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। आपको इस टाइम गैस की फ्लेम को लो रखना है एंड इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। देन अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 ग्लास ऑफ वाटर। तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर।
सो फ्रेंड्स देखिए हमारी जो पनीर भुर्जी है वो लगभग रेडी है एंड इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। बटर डालने से जो आपकी पनीर भुर्जी है थोड़ी सी और क्रीमी और बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए हमारी पनीर भुर्जी रेडी है तो अब हम इसको सर्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम अपनी पनीर भुर्जी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में एंड इस तरीके से अगर आप इसको बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनती है। ये देखिए कितनी डिलीशियस दिख रही है हमारी पनीर भुर्जी एंड अब हम इसको गार्निश करेंगे थोड़े से धनिया के साथ। तो इस तरीके से हम इसको गार्निश कर लेंगे धनिया के साथ एंड लास्ट में इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा बटर, क्योंकि बटर के साथ इसका जो टेस्ट है बहुत ही एनहांस होता है एंड बहुत ही रिच लगता है ये खाने में। सो फ्रेंड्स हमारी आज की जो रेसिपी है बिल्कुल रेडी है। आप इसको ब्रेड के साथ खाएंगे तो ये सीरियसली बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, कमेंट कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपने रिव्यूज़ प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे साथ एंड लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको ये थोड़ी सी भी पसंद आती है। थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को देखा। सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी फैमिली है वो बहुत बड़ी हो, मेरा परिवार बहुत बड़ा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो दिल से धन्यवाद आप सबका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस वीडियो को देखा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।